हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं सेंस पर कैसे बोलें, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि सेंटेंस पर बोलो, बिल्कुल सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड बोलो। लेकिन यह बिल्कुल गलत होगा और इस वजह से आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने लगेंगे और बस यही प्रॉब्लम होती है। और यही वजह होता है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, या फिर आप सही सेंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप जो विचार को, जो आइडिया को रखना चाहते हैं वो आप सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसका मेन वजह है कि आप वर्ड बाय वर्ड बोलना चाहते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको किसी स्टेज पर बुलाया जा रहा है तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बुलाया गया कि आओ और इस विचार पर ट्रांसलेट करो, नहीं, बल्कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए बुलाया गया है। सपोज मान लीजिए आप किसी बच्चा को बोलते हैं कि झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ मत बोलो, तो आप क्या बोल सकते हैं? जो आपको ट्रांसलेशन सिखाया गया, इट्स बैड टू टेल अ लाई, टेलिंग अ लाई इज बैड, टू टेल अ लाई इज बैड, तो ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल आप सोचते रह जाएंगे, विचार करते रह जाएंगे। वही अगर बोलेंगे इट्स बैड डोंट टेल अ लाई, कितना आसान है। मान लीजिए आप अगर बोलते हैं इट्स बैड डोंट टेल लाई, तो ट्रांसलेशन के रूल से तो गलत होगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि डोंट टेल लाई इट्स बैड, या फिर इट्स बैड डोंट टेल लाई, कहां गलत है, कैसे गलत है? सामने वाला समझ तो गया, और ग्रामेटिकली अगर तोड़ तोड़ कर देखें तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से जब भी आपको इंग्लिश बोलना हो तो वर्ड बाय वर्ड बोलने का प्रयास नहीं करें, बल्कि आप सेंस क्या है, आपके कहने का सेंस क्या है, उसको एक्सप्रेस करें। तो आप अभी आज सीखने जा रहे हैं खाना पर कैसे बोले, खाना से संबंधित जो भी वर्ड आए, सेंटेंस आए, उसे कैसे बात करेंगे। मान लीजिए पान खाना है, दवाई खाना है, या फिर जूता खाना, लात खाना, मार खाना, आखिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन सभी बात को इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन जरूरी है इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा और उसका सही जवाब देना जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके, ताकि आप आसानी से समझ सकें और ये सभी के लिए उपयुक्त हो। तो पहला सेंटेंस है आई लाइक टू च्यू द बेटल ऑफ बनारसी। अब यहाँ पर देखेंगे च्यू द बेटल, पान खाना, अगर वही बोलेंगे ईट का प्रयोग करेंगे बिल्कुल गलत होगा, टेक का प्रयोग करेंगे बिल्कुल गलत होगा। पान चबाया जाता है, खाया नहीं जाता है। जो भी चीज़ हम चबाते हैं उसमें सी एच डब्ल्यू च्यू का यूज करेंगे। तो आई लाइक टू च्यू द बेटल ऑफ वाराणसी, मतलब मैं बनारस का पान पसंद करता हूँ, मैं बनारस का पान खाना पसंद करता हूँ। हिंदी में भले ही खाना बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में च्यू मतलब चबाना बोलेंगे। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं, इट्स बैड टू च्यू टबैको। अब खैनी खाना तो बहुत फेमस है, लोग कई लोग खैनी खाते भी हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में इट का प्रयोग यहां पर भी नहीं करेंगे और उसके लिए च्यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोग खाते नहीं है, निगल नहीं जाती चबा चबा करके, और इसलिए च्यू का प्रयोग करेंगे। तो खैनी खाने के लिए याद कर लीजिए च्यू टबैको, और पान खाने के लिए च्यू द बेटल, आप इसको याद रखिए। अब नेक्स्ट है, हैविंग बीन बीटन ही हैज कम, पिटाई खाकर वह आया है, या फिर वह पिटाई खाकर आया है। तो फिर पिटाई खाना का इट बिट ऐसे तो कुछ होने जाने को नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बीन बीटन, यहाँ पर अगर ये ग्रामेटिकली बनाया गया है हैविंग बीन बीटन ही हैज कम, लेकिन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ही हैज कम आफ्टर बीइंग बीटन, मतलब गेट बीटन भी बोल सकते हैं, बी बीटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब पैसिव फॉर्म है और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से इट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं, और ही गेट्स किक्स वेयर एवर ही गोज, वह जहाँ जाता है जूता खाता है, वह जहाँ जाता है जूता खाता है। अब जूता खाने के लिए इट का प्रयोग कर नहीं सकते कि ही इज ईटिंग शूज, ही इट्स शूज, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो जूता खाने का मतलब यह कि जहाँ जाता है जूता खाता है, तो ही गेट्स किक्स एक फ्रेज है और इसका मतलब है कि जूता से पिटाई खाना, जूता से पिटाई लगना। तो उसके लिए ही गेट्स किक्स वेयर एवर ही गोज, अब देखिए वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, ही गोज वह जाता है, तो वह जहां कहीं भी जाता है जूता से पिटाई खाता है। तो जूता से पिटाई खाने के लिए गेट्स
किक्स याद कर लीजिए, गेट किक्स याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है इट टू योर फील हीयर, इट्स टू योर फील हीयर का मतलब, अब एक इसको समझने का प्रयास कीजिए, इट टू योर फील, इट टू योर फील का मतलब भर पेट खा लो, तो भर पेट खाने के लिए इट टू योर फील हीयर का मतलब यहाँ भर पेट खा लो। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि इसको किसी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैंने भर पेट खा लिया, आई एट टू माई फील, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर योर है तो क्या करेंगे, माय माय हीज इस तरह से बोलेंगे देयर, तो इट टू योर फील हीयर या आई एट टू माय फील हीयर, मैं भरपेट खा लिया हूँ, अपने टेंस के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ही बिकेम रिच बाय टेकिंग ब्राइब, वो घूस खाकर अमीर हो गया, तो घूस खाकर अमीर कैसे हो गया, कैसे खाया होगा घूस, तो उसके लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इट घूस का मतलब पैसा लेना होता है, इलीगली कुछ पैसा हम लेते हैं तो उसे हम घूस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ही बिकेम रिच बाय टेकिंग ब्राइब, वह घूस खाकर अमीर हो गया। अब क्या करेंगे, घूस खाना का टेक ब्राइब, बिल्कुल आसान वर्ड है, टेक ब्राइब मीन्स घूस खाना, टेक ब्राइब मीन्स घूस खाना। अब क्या है कि आप अपने तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी टेंस में मॉडल में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ही इज फीलिंग गीडी, अब क्या है कि चक्कर खाना का क्या होगा, फील गीडी मीन्स होता है चक्कर खाना, वह चक्कर खा रहा है, वह चक्कर खा रहा है, फीलिंग गीडी याद रखेंगे, फीलिंग गीडी मतलब चक्कर खाना, फीलिंग गीडी यहाँ पर ही फीलिंग गीडी, वह चक्कर खा रहा है, तो फील गीडी को याद कर लीजिए चक्कर खाने के लिए, फील गीडी चक्कर खाना। नेक्स्ट है ही डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, ही डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, इस सबको आप लिखते चलिए, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप उसे लिखते भी चलिए ताकि आप बाद में भूल नहीं सके, उसे देख सकें। ही डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, कंज्यूम पॉइजन का मतलब होता है जहर खा लेना, इसके लिए भी इट का प्रयोग नहीं करेंगे, इट नहीं होगा, जहर लेकर कैसे नहीं खाना है, तो उसके लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। ही डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, वह जहर जहर खा करके मर गया। नेक्स्ट है ही इज सर्विंग जेल टर्म, वह जेल की हवा खा रहा है, वह जेल की हवा खा रहा है, तो उसके लिए भी ईटिंग एयर तो होगा नहीं, मतलब जेल की सजा भुगत रहा है, तो सर्विंग जेल टर्म का मतलब जेल की हवा खाना। और इसी तरह 10 और देख लेते हैं जो आपको खाने से संबंधित पूरे कंप्लीट कर देगा। और अब देख लेते हैं, और वो है ही गेट्स अब्यूज डेली, रोज गाली खाता है, वह रोज गाली खाता है, रोज गाली खाने के लिए गेट अब्यूज कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज अब्यूज डेली, लेकिन यह पैसिव फॉर्म में होगा, उसे एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ही गेट्स अब्यूज डेली, वह रोज गाली खाता है, गाली खाता है कैसे खाता होगा, बल्कि गाली सुनता होगा, उसे गाली दूसरा देता है। नेक्स्ट है, लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि इसे आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे तुम गाली खाओगे, अब तुम गाली खाओगे, नाउ यू विल गेट अब्यूज्ड, ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी टेंस में इसका यूज कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट है यस्टरडे ही गॉट स्कोल्डेड, कल उसे डांट, उसने डांट खाया, कल उसने डांट खाया का मतलब क्या होगा, डांट खाना का मतलब क्या होगा, मतलब उसने बात सुना, उसके पिताजी उसके टीचर ने उसे डांटा, तो कल उसने डांट खाया, अब तुम डांट खाओगे, नाउ विल गेट स्कोल्डेड, नाउ यू विल गेट स्कोल्डेड, अब तुम डांट खाओगे। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा खाओ, मैंने समय पर दवा खा लिया, आई टूक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा खाना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा खाने की जरूरत है, यू नीड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरीके से दवा खाना का इट नहीं करेंगे, इट का मतलब बहुत सारा टैबलेट रखा गया और उसे ऐसे करके खाते जा रहे हैं, तो इट का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डोंट वेक्स मी, कितना आसान है, इसका मतलब क्या होगा, डोंट विक्स मी मतलब मेरा भेजा मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा सिर मत चाटो, मेरा सिर मत खाओ, ऐसे आप गुस्सा में बोलते हैं कि मेरा दिमाग मत खाओ, तो आप उसके लिए बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं डोंट विक्स मी। और नेक्स्ट है द आयरन इज रस्टेड, मतलब द आयरन इज रस्टेड का मतलब है लोहा में जंग लग गया है, लोहा
जंग लोहा को खा गया है, लोहा में जंग लग गया है, चाहे लोहा रहे, जंग लोहा को खा गया है। तो जंग लगना, जंग खाना, अगर आप इसको सही से देखें तो जंग खाना, जैसे कि हम लोग बोलते रहते हैं कि जंग खा गया इसको, इस लोहा को, तो उसके लिए आप रस्ट का यूज़ करेंगे और टू बी के साथ में करेंगे, जैसे द आयरन इज रस्टेड, इस लोहे में, इस लोहे को जंग खा गया है। अब नेक्स्ट है, माई बाइक कंज्यूम्स मच पेट्रोल। अब आप बोलते हैं कभी कभी कि ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाता है, ये जो गाड़ी है ये जो मतलब ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाता है। हम लोग आपस में बोलते हैं, एक ओरिजिनल लैंग्वेज है, हम लोग इसका ओरिजिनल वर्ड है यूज करते हैं, यह गाड़ी बहुत पेट्रोल खाता है, लेकिन न्यू जो गाड़ी है ना बहुत कम पेट्रोल खाती है। तो अगर ऐसे बोलना हो तो आप कंज्यूम पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, लेकिन पर यहाँ पर अधिक खाने की बात है, तो माई बाइक कंज्यूम्स मच पेट्रोल, मेरी गाड़ी अधिक पेट्रोल खाती है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, द टर्च कंज्यूम्स मच बैटरी। और कभी कभी बोलते हैं कि ये जो टर्च है ना बहुत बैटरी खाता है, इसलिए एलईडी वाला टर्च ले लो, बहुत कम बैटरी खाएगा। तो बैटरी खाने का मतलब है कंज्यूम करना, यहाँ पर कंज्यूम का रियल मीनिंग एक तो मैंने जहर खाने में ही बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपभोग करना, उसका यूज करना। तो द टर्च कंज्यूम्स मच बैटरी, टर्च बहुत अधिक बैटरी कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसका यूज करता है, खपत करता है, कंज्यूम मीन्स खपत करना भी होता है। तो ये टर्च बहुत बैटरी को, अधिक बैटरी को खपत करता है। नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर बैटरी खाने का मतलब ऊर्जा खपत करना होगा, बैटरी नहीं निकलता है, इतना याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, द टेलर स्टोल सम क्लोथ्स, मतलब दर्जी ने कुछ कपड़ा चुरा लिया है, दर्जी ने कुछ कपड़ा खा गया। अब कुछ कपड़ा खाने का मतलब ही है कि वो चुरा लिया, तो यहाँ पर द टेलर स्टोल सम क्लोथ्स, मतलब दर्जी ने कुछ कपड़ा खा गया। बोलते हैं गांव में हम लोग बोलते हैं कि दर्जी तो बहुत सारा कपड़ा खा गया, तो इसमें आप इट का प्रयोग नहीं करके स्टील वी वन होता है और स्टोल वी टू के लिए हम यूज किए हैं, द टेलर स्टोल सम क्लोथ्स, टेलर ने, दर्जी ने कुछ कपड़ा खा गया। चलो नेक्स्ट है, एसी कंज्यूम्स मच इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात भी सही है, एसी बहुत ही ज़्यादा बिजली खाता है, तो यहाँ पर बिजली खाने के लिए कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। तो एसी कंज्यूम्स मच इलेक्ट्रिसिटी, एसी बहुत बिजली खाता है भाई, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि खाना से संबंधित आज आपने बहुत सारे वर्ड्स को सीखा है, लगभग 20 वर्ड्स को आपने, टोटल 20 वर्ड्स ही सीखा है आज खाना से संबंधित। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो अब बारी है से सवाल करने की, और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। सवाल बिल्कुल आसान होगा, और वो ये है कि समय पर दवा खा लो, तुम समय पर दवा खा लो। अब इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें यू का प्रयोग नहीं होगा, तो समय पर दवा खा लो बिल्कुल आसान हम पूछते हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो। तो चलिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।